बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ और ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस से, फ़ायदेमंद वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहें। ये एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, देख लीजिए, बहुत ही छोटी डिवाइस, बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर दोनों किस्म का काम करता है। इस पीसीबी के ऊपर हम बनाएंगे बहुत ही छोटी डिवाइस, और इस पे बनाने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। अभी की वीडियो में जो हम काम करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अहम है। ये देख लीजिए, एक मोटर है, डीसी मोटर, जो कि हमारे एक दोस्त हैं वो हमारे पास लेके आए थे रिपेयर के लिए, और उन्होंने कहा कि इसमें प्रॉब्लम हो गया है कि इसका जो कार्बन ब्रश है वो इस तरह का, ये हमने इसमें से निकाला है, ये कार्बन ब्रश घिस गया था जिसकी वजह से मोटर रुक गई थी, और अभी वो चाहते हैं कि इसको ठीक करें। बहरहाल मैं इस वीडियो में आपको अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। और इसके लिए हमने जो किया है, हमने ये किया है कि हमने इसके लिए दो ब्रश बनाए हैं। आप ये देख सकते हैं, दो ब्रश बिल्कुल इसी साइज़ के, ये मैंने खुद बनाए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, बड़ी शीट से काट के इस तरह के बनाए हैं, और ये पैकटेल जो है ये भी इसके साथ लगाई है। ये देख सकते हैं, इनमें से एक ब्रश हम इसमें यूज़ करेंगे, एक ब्रश उसको दे देंगे क्योंकि वो कहते हैं कि एक ब्रश इसमें ठीक है। तो अब हम इसको खोलते हैं, खोलना बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ से इस नट को खोलते हैं, और जो भी इसके साथ सामान लगा हुआ है वो बड़े आराम से हम उतारते हैं इस तरह से, और तरतीब के साथ हम इसको रखते हैं ताकि वापस इसी तरतीब पर हम इस सामान को जोड़ सकें। जो वॉशर्स हैं, जो भी सिलसिला है, स्पेसर्स हैं, वो हम इसी तरतीब में फिर लगा लेंगे। अच्छा, अब खोलने का तरीका इसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से प्राई कीजिए इस तरह से, और इसमें मैग्नेट होती है तो ये थोड़ी सी आपको खोलने में दिक्कत देगा, लेकिन मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। आप देखते रहिए, इस तरह से हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, ये खुल गया, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन की मोटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से डिफरेंट है। ये देखिए, ये इसमें एपॉक्सी की वाइंडिंग है, यहाँ पे इसका कम्यूटेटर पार्ट है, यहाँ इसका बीयरिंग, और इधर भी इसका ये एक बीयरिंग फ्रंट वाला, ठीक है जी। और यहाँ पे कुछ जलने के असरात भी नज़र आ रहे हैं, बहरहाल उनका कहना है कि इसके बावजूद भी ये मोटर चल रही थी जलने के बाद भी, तो बहरहाल वाइंडिंग इसकी और हीट हो चुकी है लाजमी से। और यहाँ पर इसका मैगनेट है, इधर इसके कार्बन ब्रश हैं, ये देखिए कार्बन ब्रश मेन जो पार्ट है जो काम करने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको साइड पर रखते हैं सारे को, सॉरी अगर कैमरा हिल रहा है तो मेरे हाथ करीब है। ये देखिए, ये कार्बन ब्रश इस तरह से, यहाँ पे एक और कार्बन ब्रश, ये देखें, ये दो इसके टर्मिनल्स हैं जो कि बाहर की तरफ गए हुए हैं, एक ये है एक ये है। यहाँ से जो कार्बन ब्रश था वो तोड़ दिया इन्होंने, अब हम इसमें अपना लगाया बनाया हुआ कार्बन ब्रश दाखिल करते हैं, चेक करते हैं कि ये इसमें लगता है कि नहीं। अगर नहीं लगता तो हम इसको थोड़ा सा इस पर काम करेंगे और इसको सेट करेंगे ताकि ये लगना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, हमारा वो बनाया हुआ ब्रश इसमें लग तो रहा है लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर दे रहा है। प्रॉब्लम जो है वो इस केबल की वजह से है, इसकी केबल बहुत मोटी है, हम इसको थोड़ा पतला करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये मोटर उस वक्त नहीं थी जिस वक्त मैं इसको बना रहा था, तो हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। पतला करने का तरीका बहुत आसान, इसमें से जस्ट कुछ रेशे तोड़ दीजिए इस तरह से, ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं केयरफुली, लेकिन उसमें चांस होता है कि दूसरे भी आप तोड़ दें, इसलिए हाथ से इनको जस्ट तोड़ दीजिए इस तरह से। अब मैंने इसको पतला कर दिया है जैसे कि दूसरे ब्रश का है, अब मैं इसमें दोबारा लगाता हूँ, फिर चेक करते हैं, अभी भी ये टाइट ही चल रहा है। ये देखिए, अभी भी ये टाइट ही चल रहा है, अब ठीक है, अब ऑलमोस्ट ये ठीक है। तो इस तरह से हम इसके ये लेट्स वायर को इस तरह कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम सोल्डर करेंगे। सोल्डरिंग बहुत क्रिटिकल है, बहुत छोटी सी जगह है, इसके ऊपर हमने इसको सोल्डर करना है, और यहाँ इसका ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी हमने लगाना है, और इसको स्प्रिंग लोड करना है ताकि स्प्रिंग लोड रहे और ये ब्रश काम देता रहे। तो ये देखिए, दूसरे को, दूसरा भी सेम इसी डिज़ाइन पर है इस तरह से। तो इसको थोड़ा सा हम घिसा देते हैं, पतला करते हैं ताकि आराम से लगे, परेशानी ना बने। तो ये मेरे पास एमरी है, एमरी के ऊपर थोड़ा सा हम इसको रगड़ेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये मेरे पास लाया गया था तो मेरे पास सिर्फ ब्रश ही था इसका नमूना, बहरहाल बड़ी आसानी से हो जाता है, कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ सारा प्रोसीजर कि आपकी समझ में आए, वीडियो बेशक लंबी हो लेकिन आप समझ जाएँ, जो लोग करने वाले हैं वो कम से कम समझ जाएं, जो नहीं करने वाले उन्होंने तो वैसे भी नहीं करना। ये देखिए,
ये ब्रश अच्छे से बन गया, अब ये काम देगा। और थोड़ा सा हम इसको छोटा भी कर देते हैं ताकि इसके साइज़ पे हो जाए। ये देखिए इसके साइज़ से ये बहुत बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ दीजिए इस तरह से, इस तरह से। अब हमने इसको थोड़ा सा छोटा भी कर दिया है, और अब हम इसको दोबारा यहाँ पे लगाते हैं, जो ओरिजिनल है उसको भी लगा लेते हैं ताकि हमारे आड़े ना आए। ये देखिए बिल्कुल सही हो गया, सही साइज़ में हो गया, लूज़ भी है, अच्छा चल रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से कर लेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे सोल्डर करेंगे। इस तरह से हमने इसको कर देना है ताकि बिल्कुल डीप रहे इसके अंदर। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे सोल्डर करके ये बाकी की वायर्स तोड़ देनी है। ऐसे सोल्डरिंग करने का तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके पास सोल्डरिंग आयरन होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर करेंगे, काम मुश्किल है क्योंकि क्रिटिकल काम है, लेकिन हो जाएगा। तो मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ, आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ होने के बाद। दोस्तों ये देखिए हमने इसको सोल्डर कर दिया यहाँ पे। अब ये देखिए दोनों ब्रश अपनी जगह पे हो गए हैं और बाकायदा स्प्रिंग की टेंशन भी इसके ऊपर मौजूद है। अब हम इसको फिक्स करेंगे वापस। फिक्स करने का तरीका, पहले इसको यहाँ पे फिक्स कीजिए, आराम से काम कीजिए ताकि कोई भी चीज़ आपकी बेतरतीब ना हो। बड़े अच्छे तरतीब से आपने सब कुछ करना है। इस तरह इनको पकड़ के थोड़ा सा उंगली की मदद से इस तरह से बिठा दीजिए। अब ये बैठ गए हैं दोनों। अब हम इसमें ये कवर लगाएंगे, कवर भी आपने आराम से लगाना है ताकि ये इसकी तरफ उछले नहीं। उछलेगा ज़रूर, लेकिन बाहर आपने आराम से करना है इस तरह से, और यहाँ पे इसको बैठा देना है। यहाँ पे इसकी डाउल पेनल बनी हुई है तो डाउल इसको पकड़ लेंगी, और अब ये देखें घूमने को रेडी है। तब हम इसको पावर लगाएंगे और चेक करेंगे, मैं आपको पावर लगा के दिखाता हूँ। ये मेरे पास 212 वोल्ट सप्लाई मौजूद है, प्लस और माइनस, वाइट इसका प्लस है, ये माइनस है। बहरहाल जिस तरह भी आप लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे, मैं आपको इस मोटर को चला के दिखाता हूँ। देखिए ये देखें बेहतरीन चल रही है। मोटर की आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये बेहतरीन चल रही है। ये देखिए टोटल घूम जाती है। इसकी पावर देखते हैं, अच्छी खासी पावर है। ये देखें बड़ी मुश्किलों से काबू होती है। तो ये फैन के लिए ये मोटर इनफ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें से कुछ आपने सीखा ज़रूर होगा कि अगर आपका ब्रश घिस जाए तो आप बड़े ब्रश की मदद से, ये बड़े ब्रश हमारे पास इस तरह के आते हैं, इससे हम छोटे ब्रश क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बड़े से हमने काट के बनाया, ये ब्रश अक्सर बेकार हो जाते हैं तो ये फेंक दिए जाते हैं। तो इनका तरीकाकार यही है कि अगर आप इसको रीयूज़ करना चाहें तो आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस ब्रश में से काट के ये वाला ब्रश बना लिया और बड़ी आसानी के साथ मैंने इसमें फिक्स कर दिया और बड़ा अच्छा से ये काम कर रहा है। तो दोस्तों या तो आप ब्रश खरीदिए या फिर इस तरह से ख़ुद बनाइए, मोटर को दुरुस्त कीजिए, ट्रैश होने से बचाइए और अपने मोटर को दुरुस्त कीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में से आपने बहुत लर्न किया होगा। वीडियो में से लर्निंग की है थम्स अप जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, आप भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।